हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर विधायक और एसडीएम ने कोविड केयर सेंटर का किया औचक निरीक्षण, कोविड-19 के मरीजों से किया सीधा संवाद, अव्यवस्था को लेकर लगाई फटकार। कोविड केयर सेंटर में अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार कोविड सेंटर से वीडियो वायरल हुए हैं। ऐसे में मंगलवार को बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और एसडीएम प्रशांत शर्मा ने कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सेंटर में विधायक और एसडीएम ने कोविड-19 के मरीजों से सीधा संवाद कर कोविड केयर सेंटर में किस तरह की समस्याएं हो रही हैं इसको जानने की कोशिश की। विधायक और एसडीएम से बातचीत के दौरान मरीजों ने वहां की अव्यवस्थाओं को उजागर किया। मरीजों ने बताया कि सेंटर में रोजाना साफ सफाई नहीं होती, डॉक्टर समय पर जांच करने नहीं आते और खाने पीने जैसी कई असुविधाएं हो रही हैं। इस पर विधायक ने वहां के जिम्मेदार अधिकारियों को जल्द से जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर बीएल मंसूरिया, सीएमएचओ डॉक्टर बाबूलाल विशोई, डॉक्टर सत्ताराम भाकर उपस्थित रहे। ये समय समय पर कई बार इस तरह की शिकायत पहले भी आई और हम तुरंत इसका निवारण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्वच्छ अगर है इंसान तो बहुत जल्दी ठीक होगा। तो आज भी जो 2-3 कमियां पाई गई है कि भी टॉयलेट साफ नहीं थे, तो उसके लिए तुरंत निर्देश दे दिए गए और जिनकी लापरवाही रही है अभी तक उनके खिलाफ आज कार्रवाई की जाएगी। इसमें तो खाने को लेकर भी आ रही है कि खाना टाइम पर नहीं मिल रहा है, ठंडा मिल रहा है? नहीं, खाने को लेकर के जैसे फिर मोस्टली जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड है कि खाने की क्वालिटी सही है, परंतु अब जैसे घर का खाना और यहाँ के खाने जो मास खाना बन रहा है उसमें हल्का सा फ़र्क है, उसको हम भी मानते हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई काफ़ी दिनों से कि इसको सही लेवल पर लाया जाए, तो पिछली बार के मुकाबले अभी सुधार हुआ है, आज के मुकाबले हम कल सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।